नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। आज द लोक नीति की मुहिम का 8वां दिन है। द लोक नीति की टीम ने ठाना है कि जब तक राजधानी भोपाल के दिल एमपी नगर में सफाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री यह बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वह राजधानी भोपाल को स्वच्छ बनाकर रहेंगे, तो ये यहाँ पर हम राजधानी भोपाल के एमपी नगर के पास में विशाल मेगा मार्ट के पास रचना नगर में खड़े हैं, जहां पर ये चारों तरफ गंदगी इतनी बुरी तरीके से फैली है कि यहां पर 5 मिनट खड़े रहना तक दूभर हो गया है। आवारा पशु घूम रहे हैं, स्थिति बेहद बुरी है। और ये अभी देखिए, अभी अभी यहां पर नगर निगम की गाड़ी आई है, उसको क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे जी? ये सामने इकट्ठा है, उसको क्यों इकट्ठा करते हैं ना रोज? भरा ही रहता नहीं, उठाते हम रोज उठाते। तो ये रोज यहाँ पे पूरा कूड़ा कचरा बताइए, फेंक देते हैं लोग बाग उड़ के। कूड़ा कचरा ये देखिए, यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी आए हैं, यहाँ से हर रोज यहाँ पे कूड़े का मलबा बना रहता है, यहाँ पे कूड़े भरे रहते हैं, पर इसे अच्छी तरीके से साफ नहीं किया जाता है। आगे आगे से सफाई हो जाती है, पर इसे ढंग से सफाई नहीं की जाती है। यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पे तो रोज ही है, डेली डेली यहाँ पे तो रोज भरा रहे हैं। डेली मेरी चढ़ती है, मैं ही उठाता हूँ। इतना भरा क्यों है? ये मलमा है, कचरा उठेगा अभी। आप वहाँ पे पूरा भरा हुआ है, तो ये आप उनसे बात कर लीजिए, सुपरवाइजर सब, मैं क्या बताऊँ इसमें। इसलिए कूड़ा नहीं, वो मलमा मलमा सब देखिए, कांच सफाई करवाओ फिर रख जाते हैं। और यहाँ पे तो हर रोज पूरा कचरा, डेली मैं ही रोज लेके जाता हूँ, रोज अच्छे से नहीं ले जाते होगे फिर, क्योंकि ये तो पूरा। मैं नहीं, डेली ले जाता हूँ, अपन उठाओ, अब उसके बाद फिर कोई डाल दे तो अपन क्या पता है। डेली मैं ही उठाता हूँ रोज। तो भैया यहाँ पे तो हर टाइम भरा रहता है, दोनों टाइम। मैम आप गलत कर रहे हो, मैं डेली में ही, मेरी गाड़ी चलती है, मैं ही उठाता हूँ डेली। लेकिन तो फिर यहाँ पे कभी, मतलब मैं सुबह से ही देखती हूँ, यहाँ पे कभी साफ नहीं। नहीं नहीं मैं देखो अभी साफ सफाई करवा के ले आऊंगा आपके सामने डेली। तो बस आगे आगे से थोड़ा थोड़ा उठा। नहीं मैम पूरा आपको देख लेना, आप खड़े होके मैं पूरी क्लियर करवा के ले आऊँ। ठीक है, आज पूरा करके, आज पूरा तो साफ करके जाइए, मैं भी यहीं। जी जी बिल्कुल मैम। अभी नगर निगम के कर्मचारी आए हुए हैं, इनका कहना है कि ये डेली यहाँ से कूड़ा कचरा इकट्ठा करके जाते हैं, कॉलोनी वाले यहाँ पे खुले में कूड़ा डाल दे रहे हैं, जबकि इन्होंने बताया कि ये कूड़ा इकट्ठा करते हैं, पर फिर भी यहाँ पर जिस भी वक्त आप आइए यहाँ पे कूड़े का ढेर बना ही रहता है हर वक्त। ये पीछे कूड़े की जगह दिखाइए, जहाँ पे हर वक्त कूड़ा फेंका ही रहता है। रचना नगर के पास में रेलवे ट्रैक के पास में खड़े हैं, जहां हमने अपनी मुहिम की शुरुआत जब से की है, तब से लगातार यह बात कही जा रही है कि जब तक राजधानी भोपाल के दिल एमपी नगर में सफाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। हम राजधानी भोपाल के दिल एमपी नगर को सबसे पहले स्वच्छ करा कर रहेंगे। पर इस मामले को लेकर हमने कई बार शिकायत की, यहाँ के लोगों ने कई बार शिकायत की, लोगों का कहना है कि यहाँ पर कूड़े कचड़े इसी तरह से हमेशा रहते हैं, अगर नगर निगम की गाड़ी आई तो वो बस आगे आगे से इकट्ठा कर लेंगे, बाकी ये पीछे के पूरे कूड़े कचड़े ऐसे ही जमा यहाँ पर रहते हैं। स्थिति बुरी है, आवारा पशु घूमते हैं। हम यहाँ के रहने वाले लोगों से यह बात जानेंगे कि ये जो सड़कों पे गंदगी फैली हुई है, इससे इन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है। परेशानी ये बेटे, गंदगी से बीमारियाँ भी फैलती हैं, और 24 घंटे इसका चैम्बर का पानी जाता है, उससे बहुत दिक्कत होती है। पर वो लोग तो नगर निगम के तो बराबर काम करते हैं, ये हम लोग देखभाल नहीं करते बिल्कुल भी। हाँ कम से कम ये देखा, तुम्हारा हॉस्टल चल रहा है, लड़कियां क्या कर रही हैं, उसका चोक उठा करके बाहर फेंकवाइए, वो नहीं होता है यहाँ पर। अब मैं सुबह से 15-16 मोबाइल लगा चुकी हूँ, तुम्हारे वहाँ भी ये उधर भी लगाया, इधर में भी लगाया, तो बोले गाड़ी भेज रहे हैं भाभी। और अभी 15 दिन पहले ही मैं 15 जुलाई मतलब जनवरी को सफाई करवाई थी, आप मोबाइल लगा तो बाकायदा आते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं आते बराबर, पर सफाई कर गए और पूरा उसमें उतर करके चैम्बर में तब साफ किया, उसके बाद फिर कचरा हो गया।
ये हॉस्टल वगैरह पड़े हैं ना, ये सफाई नहीं कराते, और सफाई भी कराने तो 4 पैसा देने में तुम्हारा क्या घटता है? तो ये कहीं ना कहीं हॉस्टल वालों की, ये होटल वालों की बस बस, हाँ यही गलती है इनकी। इनकी चैम्बर टूटी हुई है क्या? पाइपलाइन नहीं, पाइपलाइन भी नहीं टूटी है, वो कचरा आकर के फंस जाता है, फिर वो पानी नहीं बहता, गिट्टी भी आ रही है और कपड़े भी गंदे आ रहे हैं, सभी चीज आ रहा है उसके अंदर में। और ये जो सामने ये गंदगी रहती है वो भी तो नहीं उठाते वहाँ पे, वो सुअर वगैरह घूमते रहते हैं? हाँ, वो झाड़ू होती है, कचरा उठता है, पर ज्यादा सफाई नहीं होती उसकी। अच्छा, मतलब आगे आगे से बस उठा लेते हैं? हाँ हाँ उठा लेते हैं, पर आते जरूर है। अभी ये गाड़ी कब से 2-2.5 साल से खड़ी है, ये वैन खड़ी है, पता नहीं किसकी है क्या है, ये उठाई नहीं जा रही अभी तक। कितनी बार मैं पुलिस वालों की गाड़ी रोक करके और लोगों से भी बोली है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। साल होने के बाद में मोबाइल से पता नहीं चलता ये किसकी गाड़ी है, अगर ये गौर पुलिस वाले करें तो यहाँ उठा के ले जाए, ऐसे कभी भी नुकसानदायक हो सकती है भविष्य में, ऐसा है बेटा। थैंक यू। मोटर खोल देते हैं और मोटर खोल देते ये पानी 24 घंटा, गर्मी हो चाहे बरसात हो। अच्छा, तो ये होटल वाले खोलते हैं अपना मोटर? नहीं नहीं, ये इन लोगों पर लगाम होना चाहिए, होटल वाले हैं ये, जिनकी मोटर हैं, पानी इतना खोल देते हैं तो रोड पर 12 महीना पानी ऐसे भरा जाता है, और गड्ढे होने से ये पानी अच्छा क्या सॉरी 2-2.5 साल से ये वैन खड़ी हुई। अच्छा, यहाँ पे 2-2.5 साल से ये वैन खड़ी है, पर यहाँ इन्होंने कई बार शिकायत की इसको लेकर, पर इस तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है कि आखिर गाड़ी किसकी है ये भी नहीं पता है। कई बार ये दादी जी ने बताया कि कई बार इन्होंने पुलिस को रोककर, कई बार इन्होंने पुलिस को भी रोककर यहाँ पे इसकी जानकारी दी, पर इस तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है, पुलिस भी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि किसकी गाड़ी है, ये जगह, ये खाली जगह में यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। सभी लोग आ जाते हैं, जेंट्स लोग खड़े हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम पड़ता ये रह रहे हैं बगल में और यहाँ बाथरूम करते हैं, बाथरूम करने जगह है क्या, लड़कियाँ जा रही हैं, लेडीज जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, आदमी बस हो गए खड़े हो जाएंगे, ये बहुत गलत चीज है, कोई साधन नहीं है बाथरूम जेंट्स लोगों को जाने का। यहाँ पे आसपास में सुलभ शौचालय नहीं है? है, ज्यादा तो कोई दूर पे नहीं है, पास में ही है, पर नहीं जाते हैं, उनको घर से पास यही जगह मिलती है, गाड़ी के बीच बीच में खड़े हो जाते हैं, गाड़ी के पीछे तो ठीक है चलो खड़े हो गए, बीच में खड़े हो जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। अब देखिए वो कब से खड़े हुए हैं, ये गलत चीज है ना, लेडीज रहती हैं सामने में, कुछ तो लिहाज रखो, बाथरूम करेंगे, बीड़ी पिएंगे, चलते बनेंगे। रहने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ पे लोग भी अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं, चारों तरफ गंदगी फैला रहे हैं, यहाँ पे आसपास में सुलभ शौचालय तो है पर लोग फिर भी सड़कों के किनारे आ जा रहे हैं, सड़कों किनारे सिगरेट पी रहे हैं, इस तरह की पूरी अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की भी है। ये दिखाइए वहाँ पे, ये दिखाइए, ये लोग यहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, भाई बाथरूम करने खड़े हो जाते हैं। मैंने कितने लोगों को ड्रग्स लेते हुए देखा है यहाँ पे, कितने लोगों को, और मैंने खुद मना किया है प्लीज ये काम नहीं कीजिए, हम फैमिली वाले रहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। रियली यहाँ पर ड्रग्स भी लेते? ये देखिए आप चेक कर लीजिए, खुद ले लीजिए, जैसे टाइम होगा आप कभी भी आइए 2:30 के दौरान, आपको 8-10 लड़के यही ये देखिए क्या कर रहे हैं। हाँ हम लोग तो सही मालूम, मतलब एमपी नगर मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन वेरी स्थिति पूरी बुरी। ये देखिए सीवरेज का पानी बह रहा है, सुबह से बह रहा है, और ये मेरे ख्याल एक्सीडेंटल जोन है, मेरे को आए यहाँ 4 महीने हुए हैं, आई थिंक वीक में 2-3 जरूर गिरते हैं, ये फिसलन बढ़ जाती होगी, फिसलन बढ़ जाती है, 2-3 आदमी जरूर गिरते हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने वो खड्डे वड्डे काफी जितना हो सका था भरे थे, लेकिन इससे भरने से कोई नहीं है। ये अंडरब्रिज देखिए वहां कितने एक्सीडेंट होते हैं, जबकि मेरे ख्याल 80% गवर्नमेंट जॉब वाले वहां से निकलते होंगे, लेकिन नहीं, अंडर ब्रिज में कितने खड्डे हैं, थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि हम लोग वृद्ध हैं, कभी भी फिसल सकते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि वृद्ध लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहें तो थोड़ी सी सहूलत तो होनी चाहिए।
यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों ने बताया कि स्थिति बहुत बुरी है, कई बार शिकायत की गई सड़कों पे सीवेज का पानी बह रहा है। यहाँ तक कि ये आंटी ने बताया कि यहाँ पे लोग आके घर के पीछे ही आके ड्रग्स जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं, इस तरह की गलतियाँ यहाँ पर हो रही हैं। पर ना तो इस तरह पुलिस का कोई भी ध्यान नहीं है। कई बार शिकायत की गई पर इस तरफ कोई भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ये आंटी ने बताया कि लोगों ने इसे यूरिनल प्लेस तक बना दिया है। यहाँ पे इन्होंने कई बार मना किया पर फिर भी लोग किसी की कोई भी बात नहीं सुनते। लोग सिगरेट पीते हैं, बुरी बुरी चीजें करते हैं। ये आंटी बताएंगी, यहाँ ये जो इनका घर है पीछे, ये सारी जानकारी देंगी। हाँ मैम, जब वो होता है लंच ब्रेक होता है, मैंने खुद 10-15 लोगों की टोली आती है, वो आराम से यहाँ खाते पीते कुछ भी करते हैं और डर के मारे मैं अंदर चली जाती हूँ। अपनी बहू को भी अंदर बोल देती हूँ कि नहीं आप तो अंदर ही चलो, बच्चों को भी नहीं, हम बाहर। अभी भी देखा आपने, स्मोकिंग कर रहे हैं, पता नहीं गुटखा वुटका क्या खाते हैं और वो सिगरेट के थ्रू नाक में क्या लेते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और जबकि ये रोड 24 घंटे चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, 24 घंटे से ये रोड चलती है। इसके लिए पुलिस में कोई शिकायत की गई? नहीं, मैंने सही बताऊं, मैंने तो नहीं की, मैं तो अभी आई हूँ, 4 महीने हुए हैं। हाँ गाड़ियाँ इसके कोई नहीं, 2-2.5 साल से गाड़ी खड़ी है बैन। मैंने पुलिस वालों की गाड़ी रोके भी कहा था, कल भी मैंने हाथ लगाया गाड़ी रोकी पर वो चल गई पुलिस वाले, उनको बता रही है गाड़ी को देख के सफाई क्यों गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो आप बता रही है कि यहाँ पे लोग अपशब्द का भी इस्तेमाल करते हैं? अपशब्द का वो करते हैं जो वो कपड़े सब सूखते हैं ना, खाना खा के उठाएंगे तो गंदी गाली देके चल देते हैं। हम लोग फिर कुछ नहीं बोलते, अपने अंदर आ गए, अपने को क्या करना, कोई साथ दे तो हम आगे बढ़े, कहीं से साथ भी नहीं है। यहाँ के बिने सब डरते हैं आपस में, कौन साथ देगा, तुम्हें क्या पड़ी, तुम क्यों बोलती हो, अंदर आ जाओ, वो ये नहीं बोलते, फिर ऐसा हो जाता है। एमपी नगर जोन मन की क्या स्थिति है सफाई का, कई बार कहा है इसको तो सफाई करवा दीजिए, गाड़ी लगा कर साफ हो जाए, नहीं अब तो फिर भी साफ हो गई है, उससे पहले ये भी साफ नहीं था, ये भी नहीं था। तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने अपनी सारी समस्याएं बताई, स्थिति बहुत बुरी है। मतलब यहाँ के जब लोगों से बातचीत की तो सिर्फ ये गंदगी से ही लोग नहीं परेशान है, बल्कि यहाँ पर लोग घर के पीछे खड़े होके ड्रग्स जैसे सिगरेट जैसे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग चश्मदीद गवाह हैं, लोगों ने खुद से देखा है, पर इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि ये रोड जो है 24 घंटे चलती रहती है, पुलिस आते जाते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले, मतलब ये जो इलाका है यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिस होटल्स, लेकिन लोगों में बिल्कुल खौफ नहीं है, सब बेखौफ हो गए हैं, चारों तरफ गंदगी फैलाई जा रही है, ऐसी अव्यवस्थाएं हैं। मध्य प्रदेश का यह सबसे व्यस्ततम इलाका है, इसे राजधानी का दिल कहा जाता है। एमपी नगर जो है उसे राजधानी भोपाल का दिल कहा जाता है, पर यहाँ की स्थिति पूरी तरह से चौपट है। इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, लोग शिकायत कर करके परेशान है, लोग अब चुप भी हो गए हैं, क्योंकि इस तरफ जब किसी का कोई ध्यान नहीं है, पुलिस आते हैं, घूमते हैं, लोग खुलेआम यहाँ पर लोग सिगरेट पी रहे हैं घर के पीछे, यहाँ पे रहने वाले लोग महिलाएं परेशान हैं यहाँ की, पर कोई भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने बताया कि लोग अब शब्दों का इस्तेमाल, गालियां देते हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया, मना कर दिया, तो लोग गालियां दे रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे मामले को अब प्रशासन को संज्ञान में हर हाल में लेना होगा, क्योंकि द लोक नीति की टीम ने ठाना है कि जब तक यह व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, हम जनता के सभी मुद्दे उठाते रहेंगे। ये यहाँ पे क्यों नहीं गंदगी साफ होती है, लोग परेशान हैं, ये इधर पूरा कूड़ा कचरा, प्रतिदिन सफाई होती है यहाँ पे? आपका नाम बताइए। लवलीन कंडारे। आप क्या है? सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ की गंदगी क्यों नहीं साफ की जाती है, ये देखिए चारों तरफ पूरी गंदगी। मैम प्रतिदिन यहाँ पे सफाई होती है, डेली यहाँ पे गाड़ी आती है, रहवासी से हम चल सकते, बात भी करवा देंगे। किस तरह से सफाई होती है, ये पूरी गंदगी अभी आज ये सफाई हो रही है, हम लोग रोज यहाँ पर आ रहे हैं, देख ली वो प्लॉट पे कचरा पड़ा उसको साफ करवा, ये भी गाड़ी लगी हुई काम कर ही रहा है मैम, थोड़ी थोड़ी सी बस आगे आगे सफाई कर दी। आज तो इन्होंने देख लिया कि हम यहाँ पर हैं, तो आज ये सफाई करने लगे यहाँ तक गाड़ी घुसा के, पर यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये गाड़ी कभी अंदर नहीं जाती, बस आगे आगे। हम रहवासी के पास चल चलते उनसे बात करवा लेते हैं, हम वो तो खुद आंटी जानती है हमको, और वो फोन लगाकर हमें बुलाती है, जब भी उन्हें कोई समस्या होती है हम खुद बोलती है क्या आते हैं यहाँ के, और भी तो लोग हैं, इन्होंने बताया कि अंदर तक सफाई नहीं होती, तो ये अंदर जाते हैं यहाँ पे कचरा गाड़ी डेली आती है, सफाई भी यहाँ पे होती है, और यहाँ तक कि हम गाड़ी के अंदर डोर टू डोर भी करवाते हैं घरों के अंदर। ये चित्तौड़ बताया कि सफाई नहीं,
चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स में गाड़ी जाती है, मेरे पास नंबर भी लोग, आप अगर चाहे तो मैं कॉन्टेक्ट करके आपको बात करवा सकता हूँ उन लोगों से। तो ये सुपरवाइजर का कहना है कि यहाँ पर सफाई होती है, लेकिन सफाई किस तरह से होती है उसका पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे दिखाइए कैमरा, उधर दिखाइए, यहाँ पे कूड़ा हमेशा इकट्ठा रहता है, चाहे जिस वक्त आइए यहाँ पर हमेशा ही कूड़े कचड़े के ढेर पड़े रहते हैं, आवारा पशु घूमते रहते हैं, ये चारों तरफ पूरी अव्यवस्थाएं फैली हैं। लेकिन ये सुपरवाइजर, इन्होंने बताया कि यहाँ पर सफाई वो कराते हैं, पर आज द लोक नीति की टीम यहाँ पर मौके पर उपस्थित है, इसलिए देखिए आज थोड़े अच्छे से सफाई हो रही है। और जबकि यहीं के लोगों ने बताया कि यहाँ पर हमेशा गंदगी फैली रहती है, यहाँ के रहने वाले भी लोगों की गलती है जो यहाँ पर कूड़े कचड़े की गाड़ी में कूड़ा ना फेंक कर यहाँ पे सड़कों के किनारे गाड़ी अपने कूड़े कचड़े फेंक दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यह रहवासियों के साथ साथ प्रशासन की भी सीधे तौर पर गलती है। सड़कों पे सीवेज का पानी बह रहा है पर उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि हॉस्टल में उनकी पाइपलाइन जाम हो जाती है जिस वजह से सड़कों पे लगातार सीवेज बहता है, तो नगर निगम को चाहिए कि इस मामले में उन पर चालान किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की गलतियां ना हों। हमें नहीं किसी से बात करनी है, पहली बात की हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम सीधे कमिश्नर से ही बात करेंगे, हम उसकी डेट्स ले रहे हैं, हम सीधे कमिश्नर से बात करेंगे और हमें किसी से बात नहीं करनी है। प्रॉपर हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, हम लोग ध्यान भी दे रहे हैं, गाड़ियों में डोर टू डोर के लिए जा रही है, तो आती है, ये तो सभी लोग बोल रहे हैं और हम खुद मान रहे हैं कि गाड़ी आती है, पर सफाई कैसे हो रही है ये बताइए। तो ये यहाँ पे पूरा कचरा क्यों फैला? हम लोग डाल देते ना कचरा उसके अंदर, हम क्या लोग डाल देते हैं, तो नगर निगम का काम है कचरा सफाई करवाना, करवा रहे हैं मैम उसको। किस तरह से काम कर रहे हैं आप ये बताइए, क्यों गंदगी? अब लोग डाल देते हैं उसमें कचरा, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कचरा तो उठाना ही पड़ेगा, उठाते हैं जैसे कि अभी काम हो रहा है, देख रहे हैं उठवा ही रहे हैं हम लोग, लगी आज हम लोग यहाँ पे हैं तब ये गाड़ी अंदर गई है, नहीं तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि गाड़ी अंदर। मैम सफाई होती है, उनसे पूछिए ना, वो खुद बताएंगे काम होता ही नहीं होता। ठीक है, हम लोग भी यहाँ पे रोज आएंगे और रोज सफाई होनी चाहिए ये पूरा, और इस बार तो मलबा भी इकट्ठा बिल्कुल हुई है, आइए आप लोग करवाइए। ठीक है, देखिए आज बीएमसी की गाड़ी आई है, सफाई हो रही है, गाड़ी अंदर तक ले जाके सफाई कर रहे हैं। ये सुपरवाइजर कह रहे हैं कि प्रतिदिन गाड़ी आती है, सफाई होती है, लेकिन सफाई किस तरह से होती है वो नजर नहीं आता है। गाड़ी आज अंदर गई है क्योंकि आज मौके पर द लोक नीति की टीम यहां पर उपस्थित है, इसलिए आज ये गाड़ी अंदर गई है, आज सफाई हो रही है। अब द लोक नीति की टीम इस जगह पर हर रोज आएगी और ये तब तक हम अपनी ये सीरीज इसी जगह से चलाते रहेंगे जब तक यहाँ पर सफाई नहीं होगी, क्योंकि द लोक नीति की टीम ने ठाना है जब तक सफाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देखते रहिए द लोक नीति।